हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय माता दी। फ्रेंड्स, आज 26 जनवरी हम लोग बहुत अच्छे से मना चुके हैं और बहुत ही खुशी का भी दिन था। और ऐसे एक बात करें तो आप लोग बता देना, ठंडा तो खैर काफी पड़ा हुआ था, मतलब इतना ठंडा फ्रेंड्स था ना कि मैंने दिमाग हिला दिया है। आज मतलब ऐसे देख सकते, हीटर भी मैं यूज कर रहा हूँ, अभी तक हीटर भी मेरा काम नहीं कर रहा, हीटर के पास बैठने के बाद भी पूरा शरीर मेरा कंपन कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब बताइए मैं क्या करूँ, किस ठंडा को मैं रोक पाऊँ। और फ्रेंड्स, और आप लोग भी कमेंट करके बताएं आप लोग के यहाँ ठंडा कैसा है, और आज 26 जनवरी मनाए हैं लोग तो कैसे मनाए हैं लोग, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। हम लोग के यहाँ बहुत ही अच्छा खासा से यहाँ 26 जनवरी के दिन झंडा तोलन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। बहुत ज़्यादा बच्चे भी मेरे शॉप दुकान पर भी आए थे, शॉप पर भी आए थे, बहुत मतलब कोई दिक्कत नहीं था। आज का दिन बहुत ही फेमस है और ऐसे भी जानते ही हैं लोग, आज का दिन सब कोई खुश रहता है, हैप्पी रहता है। और अभी तक अभी हम लोग जस्ट अभी हम शॉप से आ रहे हैं, मतलब शॉप से आने के बाद मतलब क्या बताएं फ्रेंड्स, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि शॉप से आज घर आ भी नहीं पाएंगे। एक तो पूरा हाथ काम नहीं कर रहा था, उसके बाद बात करें तो बाइक से मैं आ रहा था, इतना कुहासा गिरा हुआ था, मतलब हद से भी ज़्यादा, यदि इतना कुहासा तो इस फ्रेंड्स क्या बताऊँ आप लोग से, इतना ठंडा इस मंथ में नहीं पड़ा था, मतलब बहुत ही काफ़ी ठंडा है। अभी हम लोग तो सोचे कि मतलब ठंडा ख़त्म हो गया, लेकिन देखिए ठंडा दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। और बात करें तो देखिए खिचड़ी के दिन से तो मौसम साफ होने लगता है, लेकिन ऐसा फ्रेंड्स बात नहीं है उस मतलब क्या धूप तो निकलने की बात है, उस मतलब नहीं होता है, एकदम लग रहा है कि बादल छाया हुआ है, एकदम धुंधलापन कालापन समय दिख रहा है एकदम। और रात में साफ हो जा रहा है दिन, अब फिर देखते हैं सुबह इतना कुहासा गिर जा रहा है कि मतलब शीतलहरी जो चल रहा है ना, सबसे काफ़ी वाला शीतलहरी वो सही चल रहा है, तो उसको हम लोग सामना करते हुए आ रहे हैं। क्या करें, अब तो समय ही ऐसा है तो अब बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, ठंडा हो या गर्मी झेलना तो हम ही लोग का है ना। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग के यहाँ ठंडा कैसा है, और देख सकते हैं सुषमा गर्मा गर्म देखिए क्या लग गया, ये देख सकते हैं आप लोग के बीच ये लेकर आ गई, कौन सा चीज़ है ये, मलपुआ, जिसे हम लोग मलपुआ बोलते हैं, मतलब बहुत ही फेमस फेमस मिठाई है ये, आज घर बना हुआ था, मतलब हम लोग खा लिए हैं, हम नहीं खाए हैं, ये खा लिए अच्छा, बाबू सब खाया, अभी सब नहीं खाया, फर्स्ट ही लेके आ रही है खिलाने के लिए, दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स और आप लोग कैसे हैं, आप लोग यहाँ ठंडा कैसा है, आप लोग भी देखिए खिलाओ, तो खिलाना पड़े कड़े पड़े हाथ धोने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग को भी गर्मा गर्म खाना हो, और देख सकते हैं ये खाई क्या क्या खा रहे हैं जी, ओए देखिए बेचारा ये अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। थोड़ा भाव खा रहे हैं, पहले खाना खाइए बाद में भाव खाइए। हीटर नॉर्मल हो गया, हीटर इतना लगाने के बावजूद भी कुछ काम ही नहीं कर रहा है, हाई नहीं, तो लाइट में कट जा रहा है, बार बार जब पूरा चला रहे हैं ना तो पूरा लाइट में कट जा रहा है। और फ्रेंड्स अभी शाम को अभिनवान के लगे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जाते हैं खाने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, मिठाई कोई भी चीज़ खाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बताते, तो फ्रेंड्स बहुत ही मतलब मौसम का बात करूं तो मतलब बच के ही रहना जरूरी है, और इसमें नहीं बचेंगे लोग शायद हम लोग नहीं बच पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को ध्यान रखना होगा ठंडा को लेकर। छोड़िए पहले आगे पर ध्यान दीजिए, देखिए खाना वाना खाओ के एकदम टाइमली बिस्तर पकड़ लीजिएगा लोग, और कंबल ओढ़ कर सोना जरूरी है, और कुछ ज्यादा काम करना जरूरी नहीं है, आप लोग सोच ही समझते हैं, बचना जरूरी है। अभी देखिए फ्रेंड्स सब बच्चे नीचे गए हुए हैं, सब आके पास है लोग, आग का मजा ले रहा है सब, और थोड़ी देर में सब गाएगा हाला गुला स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग से बात कर लेते हैं, ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हम लोग थोड़ा खाना वाना खाने के लिए, और आप लोग से फिर कल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।